आज हम लोग क्लास 11 पाठ संबंध और फलन की विविध प्रश्नावली करेंगे, जिसके अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि संबंध fx x स्क्वायर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 3 3x पर, ये देखिए इसके 3 और 10 के बीच में ये फलन फंक्शन है द्वारा परिभाषित है। और इसी प्रकार संबंध g x में ये दिया हुआ है, बोलता है द्वारा परिभाषित है। हमको पता करना है कि दर्शाइए कि क्यों f एक फलन है और g फलन नहीं है, ठीक ना। तो इसको हमको ये फलन हमको फलन दिखाना है, ये फलन है ठीक ना, और ये फलन ये नहीं है ठीक ना। तो देखिए फलन होने के लिए क्या संबंध क्या रिलेशन होना चाहिए वो होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। तो देखिए कोई भी संबंध देखिए फलन तब होता है जब समूच ए के प्रत्येक अवयव का समूच बी में कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब होना चाहिए ठीक ना। मतलब हमें सिर्फ किसी भी एक एलिमेंट का केवल एक ही इमेज होना चाहिए ठीक ना, तभी ये संबंध फलन कहलाता है। तो अगर हम इसमें देखें तो देखिए यहाँ ये जो इस fx में जो दिया है, जैसे देखिए x का जब 0 और 3 के बीच का मान रहेगा 0 और 3 से, तो ये हमको फलन ये वाला काम करेगा ठीक ना, fx बराबर x स्क्वायर ठीक। और x जब 3 और 10 के बीच में रहेगा तो हमको fx बराबर 3x ये फलन ये फंक्शन काम करेगा। अब देखिए 0 और 3 के बीच में प्रत्येक मान के लिए हमको इसके द्वारा एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब ही मिलेगा ठीक ना। जैसे 0 और 3 के बीच में अगर हम यहाँ पर 1 रखें 2 रखें, अगर इन दोनों को यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो देखिए हमको सिर्फ एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा, मतलब एक का ही एक ही मान प्राप्त होगा। देखिए x स्क्वायर मतलब ये एक आया, अगर हम यहाँ पर 2 रखें तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमको 4 मिल रहा है ठीक ना। तो यहाँ तक तो सही है, 0 से 3 में ये फंक्शन काम करेगा और इस पर 0 से लेकर 3 तक में कोई भी मान रखेंगे तो हमको एक प्रतिबिंब या एक ही मान प्राप्त होगा केवल ठीक ना। एक का मान रखने से 2-2 मान हमको प्राप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार जब x का मान हम 3 से 10 के बीच में रखेंगे तब हमको fx बराबर 3x रहेगा, और उस पर 3 रखिए 4 रखिए 5 रखिए तो इस पर हर बार अलग अलग मान मिलेगा ठीक ना। अलग अलग मान का मतलब यदि मैं x का मान 3 रखूं, x का मान 4 रखूं, x का मान 5 रखूं, 6 रखूं, 7 रखूं, 8 रखूं, तो देखिए इस पर अलग अलग मान आएगा। f3 बराबर 3×3 बराबर ये 9 प्राप्त हुआ, या 4 बराबर 3×4 बराबर ये 12 प्राप्त हो रहा है। इसी तरह 5, 6, 7 कुछ भी रखेंगे तो हमको अलग मान मनन प्रत्येक का अलग अलग प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ तक तो देखिए ये फलन है। अब देखिए अगर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि हाँ x का मान बराबर और छोटा 3 से है, मतलब यहाँ भी x का मान 3 है, यहाँ से भी ये फंक्शन काम करेगा fx बराबर x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी x यहाँ 3 के बराबर यहाँ भी है ना, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो x का मान 3 मतलब इसके यहाँ x का मान 3 पर हमको ये फलन भी ये फंक्शन भी काम कर रहा है ठीक ना। अब देखिए अगर इन दोनों पर एक ही मान आ जाए ठीक ना, तब तो कहेंगे कि ये फलन है। देखिए जैसे अगर मैं x का मान 3 x बराबर 3 रखूँ तो हमको fx बराबर x स्क्वायर भी प्राप्त हो रहा है, और x बराबर 3 पर यहाँ से हमको 3x भी प्राप्त हो रहा है, fx बराबर 3x। अब देखिए x का मान 3 रख के देखते हैं किनका क्या आता है। तो x का मान 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग बराबर ये 9 आया, यहाँ पर रखेंगे 3 तो 3×3 बराबर ये 9 आया, मतलब 3 पर 9 ही आया, दोनों फलन से सेम आंसर आया, मतलब इसका केवल एक ही प्रतिबिंब है ठीक ना। तो यहाँ तक इस हिसाब से देखिए ये जो संबंध दिया था ये फलन है ठीक ना, प्रत्येक अवयव का एक और सिर्फ एक प्रतिबिंब है। अब देखिए जी एक्स में भी देखते हैं यही चीज़,
देखिए x का मान 0 से लेकर 2 तक प्रत्येक मान के लिए हमको इसके द्वारा ये फलन काम करेगा, ये फंक्शन हो गया। तो इस पर जो जो मान रखेंगे इसका अलग अलग मान प्राप्त होगा, है ना, मतलब प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ x का मान 2 से लेकर 10 तक में भी कोई भी मान रखिए, आपको इसमें रखने से हमको एक अलग अलग मान प्राप्त होता जाएगा, ठीक ना, किसी एक मान पर दो हमको मान प्राप्त नहीं होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे दो रखा, यक्स का मान दो रखिए, थ्री रखिए, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन तक रखेंगे, तो हमको जब इसमें रखेंगे हम तो इसमें अलग अलग मान प्राप्त होगा, ठीक ना। तो अलग अलग प्रतिबिंब है, मगर यहाँ पे देखिए यक्स का मान दो यहाँ भी है, यक्स बराबर दो और यक्स बराबर दो, इसके लिए भी ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है। अब इसमें हम यक्स का मान दो रख के देखते हैं क्या सेम आ रहा है, तो लिखेंगे यक्स का मान दो तो जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, फिर यक्स बराबर दो पर जी एक्स बराबर ये थ्री एक्स हो गया, ठीक ना, ये थ्री एक्स हो गया, ठीक ना, दोनों पर ये फन है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे दो का मान रखिए, देखिए दो रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है, तो दो का स्क्वायर बराबर ये चार आया, ठीक ना, और यहाँ पर आया दो रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है, तीन गुणे दो बराबर छः। तो देखिए यहाँ पर दो पर, देखिए दो पर हमको दो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, एक चार प्राप्त हो रहा है और एक यहाँ छः प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये संबंध फलन नहीं होगा, ठीक ना, फलन के लिए केवल एक ही इमेज होना चाहिए था, बट इस टू का दो इमेज आ रहा है, इसलिए ये जी ये फलन ये नहीं है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर एक हल हो गया। अब प्रश्न नंबर दो देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दो में है लिखा है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो हमको मान ज्ञात करना है किसका, एफ 1.1 माइनस एफ 1 बटे 1.1 माइनस 1 का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर पहले f का मान देखिए, यहाँ x है तो x है, यहाँ 1.1 है, हम यहाँ पर 1.1 रखेंगे तो जो मानेगा यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए f 1.1 रखने पर हमको क्या मिलेगा, 1.1 का वर्ग माइनस f1, यहाँ 1 रखने पर क्या प्राप्त हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं, बटे में 1.1 माइनस 1। अब देखिए एक अगर 1.1 का वर्ग करेंगे तो हमको 1.21, है ना, 11 का वर्ग 121 होता है, एक स्थान के बाद है तो वर्ग करने के बाद दो स्थान के बाद दशमलव लगता है, माइनस एक का वर्ग एक ही प्राप्त होता है। 1.1 में एक अगर घटाएंगे तो 0.1 हमको प्राप्त हो जाएगा, 1.21 में एक घटाएंगे तो 0.21 प्राप्त हो गया, बटे 0.1 है। अब ये दशमलव हटाएंगे हम तो इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि देखिए 0.21 बटे 0.1 है यहाँ पर। अब देखिए दशमलव के बाद दो स्थान है, यहाँ दशमलव के बाद एक ही स्थान है, इसलिए हम यहाँ पर जीरो लगा लिए, ठीक ना। तो ये हो गया सम स्थान, सम दशमलव स्थान हो गया, दशमलव के इधर भी दो स्थान, दशमलव के इधर भी दो अंक हैं, इसलिए इसका हम दशमलव अब हटा सकते हैं, तो ये प्राप्त हुआ 21 बटे ये 10 हो गया। जब इसको हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए दशमलव में आएगा 2.1, ठीक ना, और अगर इसको काटें तो मतलब ये आंसर ये भिन्न ही रहेगा, तो चाहे ये चाहे ये, इसका प्रश्न का उत्तर ये हो गया। अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीन में है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो प्रांत ज्ञात करना है, तो प्रांत का मतलब यह होता है कि x का वो मान, ठीक ना, जिस पर एफ एक्स परिभाषित हो, है ना, मतलब इसका मान रखें हम, क्या क्या इस पर मान रख सकते हैं, ठीक ना, वो प्रांत होता है और रखने के बाद जो मान आता है वो परिसर कहलाता है। तो इसमें देखिए हम पहले इसका देखें, यहाँ पर हम यक्स का कोई भी मान रख सकते हैं, बस हम ऐसा मान ना रखें कि जो हर में जो लिखा है वो जीरो हो जाए,
ठीक ना। अगर हम जीरो, अगर ये जीरो हो जाए तो एक बट ये बटे कुछ, अगर कुछ भी बटे अगर जीरो आ जाए तो वो चीज़ परिभाषित नहीं होती। तो हमको बस इसी को चेक करना है कि ये जीरो ना हो, तो एक्स के किस मान पर ये जीरो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो इसको हम गुणनखंड करके हम एक्स का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो ये नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये जगह 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस 12 बराबर 0, ठीक ना। या तो हम बराबर 0 करके इसको पहले मान ज्ञात कर लेते हैं, ऑफिस में लिख देंगे। ये जगह x माइनस 6 2x माइनस 6, x माइनस 6 और x माइनस 2 बराबर 0। तो इससे हमको x का मान क्या आ जाएगा, मतलब x का मान ये 0 6 के बराबर, ये बराबर कट ही लेते हैं, बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो x का वैल्यू 6 और 2 है ना, मतलब ये इसको देखिए ऐसे हल करते हैं इसको। देखिए x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इससे x का 6 के बराबर नहीं हो, या इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर 2 है ना, 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू 6 और 2 नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब x का सभी मान रख सकते हैं, सभी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, बस हमको 6 और 2 नहीं होना चाहिए। तो हम देखिए प्रांत में लिखेंगे आर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय माइनस, इन्हीं दोनों को हटा देंगे, तो 2 और 6 हटाकर ये हमारा प्रांत ज्ञात हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में है fx बराबर करनी में x माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तुमको प्रांत ज्ञात करना है और परिसर ज्ञात करना है। तो देखिए प्रांत है, देखिए इसमें हल करेंगे हम। देखिए अगर करनी के अंदर कोई भी चीज़ दिया हो तो इसका मान हमेशा 0 हो या तो उससे बड़ा हो, ठीक ना। इसकी वैल्यू हमको निगेटिव में नहीं आनी चाहिए, ठीक ना। क्यों? क्योंकि अगर करनी में अगर माइनस 1 आ जाए, माइनस में अगर कोई चीज़ आ जाए तो वो अवास्तविक संख्याएँ हो जाती हैं, ठीक ना। तो इसलिए हमको इसका x का x माइनस 1 जो भी इसके अंदर का क्वांटिटी है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक ना। 0 हो जाए या उससे बड़ी संख्या, मतलब धनात्मक संख्या होनी चाहिए, ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इससे हमको क्या संबंध मिल जाएगा, देखिए इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब x का मान 1 हो जाए या 1 से बड़ा हो जाए। तो अब देखिए हम यही मान हम इसमें रख सकते हैं। तो जो मान हम इसमें रखेंगे वही हमारा प्रांत कहलाता है। तो प्रांत बराबर देखिए ये हो जाएगा 1 से अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक, ठीक ना। 1 को भी शामिल किए हैं इसलिए बड़ा कोष्टक लगाए हैं, ठीक ना। बराबर 1 है और 1 से बड़ा है, तो इस प्रकार ये प्रांत हो गया। अब देखिए परिसर ज्ञात करने के लिए देखिए ये है, देखिए एफ एक्स है, ये एफ एक्स को वाई बोलते हैं। तो देखिए यहाँ हम y बराबर लिख लिए, y बराबर करनी x माइनस 1, ठीक ना। तो देखिए जब प्रांत निकाला था तो y को x के पदों में था, ठीक ना। जब परिसर ज्ञात करेंगे तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, है ना, लिखेंगे y को x के पदों में लिखेंगे। तो पहले ये करनी हटाएंगे तो दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं। देखिए वर्क करने पर ये करनी उधर हट जाती है ना, वर्क करेंगे तो करनी इसका एक करनी खत्म हो जाएगी, तो जगह x माइनस 1 आया। फिर इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 बराबर बराबर x, तो ये आया बराबर x। अब देखिए इसमें x क्या है, x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, x का मान 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम x का मान रख देते हैं, देखिए y प्लस 1, यक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है ना। यक्स का मान ये रखा है, यक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब ये यक्स इसके बराबर है, तो ये भी चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए,
जब ये इधर पक्षांतर करेंगे तो ये 1-1 जीरो हो जाएगा, ठीक ना, इसको पक्षांतर किया है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब ये हो गया तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक ना। अब y का मान क्या आया, या तो जीरो के बराबर हो या उससे बड़ा हो, मतलब कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार परिसर क्या आया, देखिए जीरो और इनफाइनाइट तक, ठीक ना। बड़ा कोष्टक क्योंकि जीरो को भी शामिल किया है और छोटा कोष्टक अनंत तक गया है। तो इस प्रकार प्रांत और परिसर ये हमको ज्ञात हो गया। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में है, एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस एक। तो इसका द्वारा है ना एक्स माइनस एक द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन f का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए प्रांत ज्ञात करने के लिए मतलब हम x का मान क्या रख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ x का मान कुछ भी रखिए, ठीक ना। देखिए लिखा है वास्तविक फलन है ये, तो वास्तविक फलन में हम यहाँ पर x का कोई भी वास्तविक मान रख सकते हैं। इस प्रकार प्रांत आया r, r क्या है लिख देते हैं यहाँ पर, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ये समुच्चय है, ठीक ना। तो प्रांत प्राप्त हो गया। अब देखिए परिसर ज्ञात करेंगे, तो परिसर में देखिए यहां पर यक्ष का कोई भी मान रखिए, कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, हमको यहां पर हमेशा प्लस में प्राप्त होगा, ठीक ना। मतलब जीरो से लेकर कोई भी धनात्मक संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको R प्लस लिख सकते हैं, ठीक ना। ये होता है सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक ना। तो इस प्रकार लिख लिया, और अगर इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जीरो से लेकर अनंत तक, ठीक ना। तो जीरो से जीरो आ सकता है इसमें, इसलिए इसको बड़ा ब्रैकेट में डाला है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसका प्रांत और परिसर हमने भी ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में है, लिखे इसमें लिखा है एफ बराबर यक्स कॉमा एक्स स्क्वायर बटे 1+x2। एक क्रमित युग्म है, इस प्रकार है कि यक्स बिलोंग्स टू आर, है ना, सभी वास्तविक संख्या है, आर मतलब वास्तविक संख्या का, है ना। तो इसमें लिखा है आर से आर में एक फलन है, ठीक ना। ये एफ क्या है, आर से आर में वास्तविक संख्या का से वास्तविक संख्या में f का परिसर निर्धारित कीजिए। हमको इसमें प्रांत नहीं ज्ञात करना है, हमको इसमें परिसर ज्ञात करना है, ठीक ना। अब देखिए अगर ये एक क्रमित युग्म है, ठीक ना, f इसमें परिभाषित किया हुआ है कि x, देखिए ये पहला जो घटक होता है, ठीक ना, ये इसको x माना, और ये जो दूसरा घटक है वो y कहलाता है, ठीक ना। ये x है और ये y है, तो इस प्रकार जो y है उसको हम लिखते हैं यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटे 1+x2, ठीक ना। या तो इसको हम सिंपल y बराबर भी लिख सकते हैं, है ना, पहला घटक या दूसरा घटक, क्रमित युग्म है ये, तो पहला और दूसरा घटक y को दिखाता है, तो y मतलब एफ एक्स, ठीक ना। इस प्रकार हमको ये फलन प्राप्त हो गया। हमको इसमें परिसर ज्ञात करना है, ठीक ना। तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम इसको y लिख लेते हैं यहाँ पर, ये y है, y बराबर एक्स स्क्वायर बटे 1+x2। हम इसको ना देखिए ये है, ये y x के पदों में है, हमको y x y के पदों में चाहिए, तो हमको परिसर ज्ञात होगा। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए इसका गुणा इसमें करते हैं, तिरेक गुणा कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, y+yx2, y एक कम y और इसका उड़ा इसमें करके बराबर x2 लिख लिया।
फिर इसको अंदर बाई तरफ पक्षांतर कर लिया तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो हो गया। यहाँ हमको x स्क्वायर कॉमन है तो हम यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखिए x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ जाएगा y माइनस वन बराबर जीरो। अब हम इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन बराबर माइनस वाई, ठीक है, इधर दाई तरफ पक्षांतर किया, फिर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई बटे वाई माइनस वन किया, इसको पक्षांतर कर दिया, गुणे में है तो भाग में चला गया। देखिए ये माइनस है, जब हम इसका स्थान बदलेंगे वाई माइनस वन है, अगर हम इसको वन माइनस वाई कर दें तो ये माइनस गायब हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं y बटे, ये स्थान बदल रहे हैं बस, देखिए वन माइनस वाई, ठीक ना, जब ये स्थान बदलने से ऊपर एक माइनस, जो भी माइनस हो वो गायब हो जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए ये आया, यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर बराबर, ये x बराबर करनी में y बटे वन माइनस वाई, ठीक ना। शायद इसको पद बदलने पर ये माइनस क्यों गायब हुआ है वो न समझ में आया तो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए इसको हर चीज़ समझ के चलिए, देखिए जैसे ये लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले, देखिए ये लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई और ये है वाई माइनस वन, ठीक ना। देखिए जब हम इसका माइनस, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेना चाहते हैं, ठीक ना, या तो इस माइनस को अंदर गुणा कर देता हूँ, ठीक ना, दोनों तरीके हैं। देखिए यहाँ पर करते हैं पहले एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ये माइनस हम अंदर गुणा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना, इस माइनस का ऊपर चाहे नीचे कहीं भी गुणा करिए मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो जाएगा, इसका अंदर गुणा किया तो ये आया माइनस, फिर इसका अंदर गुणा किया तो ये हो गया प्लस, ठीक ना। तो अब क्या किया, अब देखिए शुरू में माइनस है तो हमने इसके पदों को अदला बदली कर देने हैं बस, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस शुरू में नहीं लिखते हैं इसलिए हम इसको अदला बदल दे रहे हैं, तो ये प्लस वन है तो ये वन यहाँ लिख दिया, ये माइनस वाई है तो ये माइनस वाई यहाँ लिख दिया, ठीक ना। तो यही चीज़ आया है मेरा, ये देखिए। और दूसरा है यहाँ पर, देखिए दूसरा दिखाते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वाई बटे, अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक ना, देखिए माइनस अगर कॉमन लूँ, माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, ठीक ना, ये प्लस में है तो माइनस वाई हो गया, ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया, ठीक ना, चिन्ह बदल दिया बस। तो इससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये आया वाई बटे, अब देखिए फिर वही माइनस शुरू में अच्छा नहीं है तो इसको हम अदल बदल दे रहे हैं, तो प्लस को पहले ला दे रहे हैं वन माइनस वाई स्क्वायर, देखिए ये चीज़ आ गया, सेम आ गया, और यही चीज़ यहाँ मैंने लिखा है, ठीक ना। तो इसी को सरल भाषा में बोलते हैं कि अगर माइनस को हटाना हो तो इसके पदों को बदल दीजिए, तो वाई माइनस वन है तो ये वन माइनस वाई हो जाएगा तो ये माइनस गायब हो जाएगा, ठीक ना, इसी कारण ये गायब होता है। अब देखिए हमारा ये आ गया, हम इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पर, ये समय में आ गया होगा। अब देखिए ये वर्ग है तो इस पर वर्गमूल लगाएंगे, तो ये वर्ग, ये रहा वर्गमूल y वन माइनस वाई, ठीक ना, तो ये वर्ग था तो वर्गमूल लगा दिया। अब देखिए ये आया x y के पदों में आ गया, ठीक ना, अब हमको इससे परिसर ज्ञात करना है। अब देखिए करणी के अंदर जो भी पद है ये माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक ना, इसके पहले क्वेश्चन में भी था करणी के अंदर अगर माइनस में आ जाए तो वो अवास्तविक संख्याएं हो जाती हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं y बटे वन माइनस वाई शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन जीरो, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा ही होना चाहिए। यदि अगर मैं इसको अलग अलग लिख के देखूं तो देखिए क्या आ रहा है, वाई बटे वन माइनस वाई बराबर जीरो होना चाहिए, ठीक, या y बटे वन माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना, ये दो कंडीशन है, इसको मैंने अलग अलग लिख लिया है। अब देखिए अगर इसमें बराबर जीरो होना है, अगर ये बराबर जीरो होगा तो कब होगा, ये तब होगा जब हम y बराबर जीरो रख दें,
ठीक ना, वाई बराबर जीरो रख देंगे तो जीरो के बट्टे कुछ भी हो तो सब जीरो हो जाएगा ये, ठीक ना। जीरो बट्टे वन माइनस जीरो मतलब जीरो बट्टे वन ही आ रहा है, तो मतलब वो जीरो हो गया। तो मतलब ये पहला कंडीशन यहाँ से हमको प्राप्त हो गया। अगर ये देखे इसमें अब कोई भी चीज़ जीरो से बड़ा कब होगा, ठीक ना, ये चीज़ है। अगर हम पूछे कि कोई भी चीज़ जीरो से बड़ा कब होगा यदि भिन्न में हो, तो देखिए यदि दो बटे तीन दिया हुआ है तो देखिए बड़ा है जीरो से, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस में हैं, ठीक ना। यदि इनमें से कोई भी एक माइनस में होता तो आंसर माइनस में आया होता, ठीक ना। यदि इस प्रकार माइनस दो बटे तीन होता तो लेस देन जीरो है, दो बटे माइनस तीन है तो लेस देन जीरो है, ठीक ना। अगर दोनों प्लस में है तो ग्रेटर देन जीरो है। इसी प्रकार यदि दोनों माइनस में होते तब भी ये ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक ना। तो यही चीज़ हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि यदि देखिए देखिए दोनों को प्लस होना आवश्यक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर। देखिए ये है, देखिए वाई इज ग्रेटर देन जीरो हो, ऊपर वाला जीरो से बड़ा हो मतलब प्लस में हो, और वन माइनस वाई यहाँ देखिए और लगेगा, ठीक ना, या से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों का नियम होना चाहिए, दोनों प्लस में होगा तभी होगा। तो ये प्लस हो और ये भी प्लस में होना चाहिए, तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, जीरो ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, और देखिए इसको उधर भेज देंगे तो जगह वन ग्रेटर देन वाई, ठीक ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई ग्रेटर देन जीरो और y लेस देन वन, ठीक ना, अदला बदली कर दिए हैं, तो ये हमको रिलेशन आया, ठीक। ये हुआ जब दोनों प्लस में, अंश भी और हर दोनों प्लस में हो, है ना, ग्रेटर देन। अब देखिए या तो दोनों माइनस में हो, ऊपर नीचे दोनों माइनस में हो, ये देखिए ये वाला जो लिखे थे दोनों हो तब भी ये प्लस में रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए y लेस देन जीरो हो और वन माइनस वाई भी लेस देन जीरो हो, दोनों माइनस में हो तो कट के प्लस में आ जाएगा। तो ये हो गया वाई लेस देन जीरो, ठीक है, और इससे हो जाएगा वन माइ ये वन लेस देन ये मतलब वाई इज ग्रेटर देन वन, इस प्रकार ये कंडीशन आ गया, ठीक ना। अब देखिए अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें, देखिए लिखा है वाई जीरो से छोटा हो, ठीक ना, वाई जीरो छोटा मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री हो, और बोलता है वाई एक से बड़ा हो, ठीक ना। तो ऐसा कोई संभव नहीं है कि वाई छोटा भी हो जीरो से और एक से बड़ा भी हो, ठीक ना। इसलिए ये कंडीशन तो हम इसको निकाल देंगे, ठीक ना, ये कंडीशन बैठेगा ही नहीं। इस वाले में देखिए, तो देखिए वाई ग्रेटर देन जीरो है बट लेस देन वन है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए वाई ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन, ये लिख सकते हैं, है ना, y इज ग्रेटर देन जीरो और लेस देन। अब देखिए इन दोनों को अगर मिला दें तो बोलता है y बराबर है जीरो से और ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन, इन दोनों को मिला कर अगर हम लिखें तो यह जाएगा y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, यहाँ बराबर भी आ गया हमको और लेस देन वन हो गया। अगर इसको मिला के लिख दें, देखिए परिसर लिख देते हैं आप, तो इसका मतलब परिसर ये जीरो से लेकर ये वन तक, ये छोटा क्वेश्चन इसलिए लाया कि इसमें बराबर वन नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर छः का हल हो गया। प्रश्न नंबर सात देखेंगे, देखिए प्रश्न नंबर सात में है एक संबंध है एफ जी, एफ और जी हैं, किस प्रकार है ये आर टू आर में, ठीक ना। तो एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन है और जी एक्स है टू एक्स माइनस थ्री द्वारा परिभाषित है, हमको एफ प्लस जी निकालना है। तो एफ प्लस जी निकालना है, एफ माइनस जी निकालना है और एफ बटे जी ज्ञात करना है, ठीक ना, ये सब हमको ज्ञात करना है। तो एफ प्लस जी कितना हो जाएगा, एफ प्लस जी एक्स, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री, तो दो एक्स और एक थ्री एक्स
एक में से तीन गया माइनस दो, तो ये हमको ज्ञात हो गया। अब ये माइनस जी कर लेते हैं तो जगह एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो एफ एक्स कितना है एक्स प्लस वन और टू एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री, है ना। कोष्टक खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, एक में से दो गया तो माइनस एक्स, तीन और एक चार, तो ये हो गया। बटे में ज्ञात करना है, भिन्न में है, एफ बटे जी एक्स, तो लिखते हैं ये हो गया एक्स प्लस वन बटे टू एक्स माइनस थ्री। अब देखिए इसमें हो गया तो ये ना नीचे वाला पद जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं कि ये किसके मान पर जीरो हो रहा है, तो लिखेंगे एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो, तो जगह टू एक्स बराबर थ्री, एक्स बराबर तीन बटे दो, है ना। एक्स बराबर तीन बटे दो पर यह मान जीरो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉमा डाल के लिखेंगे एक्स नॉट इक्वल टू थ्री बाई टू, तब जाके एक पूरा कंप्लीट आंसर आएगा। तो प्रश्न नंबर सात हल हो गया।